हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग आज एक स्टोरी बताने वाली हूँ। स्टोरी का टाइटल है दुर्वा, जिसको हम लोग नॉर्मली ग्रास बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको इमेजिन करना है, दुर्वा मतलब एक ग्रास का नाम है, ठीक है? तो उसके रिलेटेड आपको कौन सी चीज़ें पता है। तो पहले तो वो जो रहता है ग्रास, तो ग्रास नॉर्मली कहाँ पे मतलब ज़्यादातर पाया जाता है? किसी भी गांव में ज़्यादातर पाया जाता है, मतलब विलेज में वगैरह, या फिर किसी जंगल में हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो आपको याद रखना है ग्राम, ग्राम मतलब कोई भी विलेज रहता है तो उसको हम ग्राम बोलते हैं, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप इसकी फैमिली याद रखो। फैमिली का नाम है ग्रामीनसी फैमिली, ठीक है? कौन सा है फ्रेंड्स? सो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है फैमिली इसकी है ग्रामीनसी, मतलब एक ग्राम में जनरली कोई भी गांव में विलेज में पाया जाता है, इसकी वजह से हम लोग इसको बोलेंगे ग्रामीनसी। अगर मराठी में बोलना है तो हम लोग बोलेंगे यवकुल, मतलब जो भी कुल ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, कोई भी कुल, तो यवकुल से ये पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको ये बात तो पता ही होगी कि जनरली जो भी ग्रास रहता है तो उसको हम लोग जो कॉमन ग्रास है जैसे उसको सैनेडॉन बोलते हैं, ये सभी को पता होगा। तो लैटिन नेम भी उसके ऊपर ही है फ्रेंड्स, साइनोडॉन डैक्टिलॉन। बहुत सिंपल है, साइनोडॉन डैक्टिलॉन मतलब डूब ग्रास वगैरह, हमने बहुत सारे ग्रास देखे हैं, तो आपको सिंपल याद रखना है साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ये इसका लैटिन नेम है। उसके बाद हम लोग फ्रेंड्स इसका जो सिनोनिम्स है उसके ऊपर चलेंगे अभी। ये तो आपने सुना ही होगा, जो भी ग्रास रहते हैं तो उसमें बहुत सारे नोड्स रहते हैं, नोड्स इंटरनोड्स हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसको शत पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? शत मतलब सेवन, जैसे सॉरी शत मतलब हंड्रेड होता है, पर यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है जिसमें बहुत सारे नोड्स हो, मतलब बहुत सारे हैं, बहुत सारे मतलब कितने, हंड्रेड, तो आपको शत पर्व याद रखना है। सो फ्रेंड्स, हमने सिनोनिम क्या बोला इसका? शत पर्व, ठीक है? ये इसका सिनोनिम हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये ग्रास है तो ये सभी को पता होगा। मराठी में इसको हम हरली या फिर हराली बोलते हैं, हिंदी में हरीडूब बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग इसको क्रिपिंग सैनेडॉन, इसी की वजह से इसका लैटिन नेम भी हमें इजी हो गया, क्योंकि इंग्लिश में नॉर्मली हमें सैनेडॉन तो पता ही है, तो उसी के ऊपर से हमने सैनेडॉन डैक्टिलॉन ऐसे नाम लिखा है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मुझे ये बोलो, कोई भी जो ग्रास रहता है वो क्या ऐसे पूरा मतलब जैसे पेड़ रहता है वैसा रहता है क्या? बिल्कुल नहीं, वो मतलब बहुत छोटा रहता है और ऐसे फैलते जाता है ना, तो इसकी वजह से अगर इसका स्वरूप आपको किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? क्षुप बोलना है, ठीक है? सो फ्रेंड्स, स्वरूप क्या हो जाएगा इसका? क्षुप। सो फ्रेंड्स, अभी मुझे बताइए, अगर आपको एक गवत चाहिए तो आप क्या किसी और देश में जाके घूम के आएंगे क्या इसके लिए? बिल्कुल नहीं, ये हमारे भारत में भी अवेलेबल है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसके लिए इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हम लोग बोलेंगे संबंध भारत। अभी फ्रेंड्स, अभी जो भी हम ये दुर्वा जो रहता है जिसको हम ग्रास बोल रहे हैं, जब गणपति गणेश का ये महोत्सव रहता है उसमें हमने सुना है कि ये जो ग्रास रहता है जिसको हम लोग दुर्वा बोल रहे हैं, तो वो वैसे के वैसे वो गणेश के ऊपर ऐसे चढ़ा देते हैं भगवान को। क्यों चढ़ाते होंगे? क्योंकि वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसका हर एक पार्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसकी वजह से हम लोग याद रखेंगे उपयुक्त अंग में पंचांग, मतलब इसका हर एक अंग हर एक पार्ट उपयुक्त रहता है, इसकी वजह से हम लोग इसको बोलेंगे उपयुक्त अंग में पंचांग, ऐसे याद रखेंगे। फ्रेंड्स, आपने अगर चाइना के वगैरह कुछ सीरीज वगैरह देखे होंगे तो उसमें आप देखते हो ना, जो भी चाइना के पीपल रहते हैं तो वो लोग जैसे गवत वगैरह ऐसे खाते हैं, देखा है कि आप लोगों ने? तो क्यों खाते होंगे? मतलब ये जो गवत है ये कौन खाता है? जनरली हमारे इधर तो जितने भी एनिमल्स रहते हैं वही खाते हैं, लेकिन वो चाइना के लोग भी खाते हैं, तो उनको कुछ बातें हमसे ज्यादा पता है क्या? जैसे आपको पता है कि फ्रेंड ये जो दुर्वा रहते हैं ना, इसमें टोटल 10% प्रोटीन रहता है। कितनी परसेंट? 10% प्रोटीन, और 36% कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, अल्कलाइड्स रहते हैं, ग्लाइकोसाइड्स भी रहते हैं, और इसके अंदर मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये भी पाए जाते हैं। ये सारी बातें उनको पता है, इसकी वजह से हम लोग अगर इसका रासायनिक संगठन देखेंगे। सो फ्रेंड्स, रासायनिक संगठन में आपको क्या क्या याद रखना है? 10% प्रोटीन रहता है, 36% कार्बोहाइड्रेट, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स रहते हैं,
और जो भी फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब कुछ रहता है उसमें, इसी वजह से वो लोग खाते हैं ये ग्रास। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है इसके रासायनिक संगठन में। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखेंगे उसके रस। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये जो ग्रास है वो कषाय और मधुर रस का है, और इसका जो भी विपाक है वो कटु है, और वीर्य शीत है, और जो भी गुण है वो है लघु। तो इसके ऊपर से हम लोग इसकी दोषग्नता को देखेंगे। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स, इसमें कषाय रस है और कटु भी है। तो इसका मतलब कषाय और कटु है, मतलब ये जो भी कफ रहेगा उसको कम करेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मधुर भी है, लेकिन इससे कषाय ज्यादा थोड़ा प्राधान्य रहता है। इसकी वजह से कषाय को हम ज्यादा कंसिडर देंगे, तो इसकी वजह से हम लोग बोलेंगे कफ को कम करेगा। और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, शीत है और कटु भी है, तो इसके साथ हमें पता है ये अपोजिट है पित्त के, मतलब पित्त को भी क्या करेंगे, शमन करेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें कफ पित्त शामक है ये। सो फ्रेंड्स, कर्म में हमने पहले जो यहाँ पे दिखा है बल्य, तो हमने अभी देखा जो भी मतलब ये चाइना के वगैरह लोग है ये घास खाते है, इसका मतलब उसमें प्रोटीन्स हमने देखा, बहुत सारे फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह देखा, मतलब वो बल प्रोवाइड करता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने सुना है क्या कि जो भी ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, जो भी ये ग्रास है उसके ऊपर चलने से हमारे आंखों की जो भी ये रहती है, जो जिसको जिसको पॉइंट लगता है चश्मे का, तो वो कम हो जाता है ऐसा बोलते हैं। तो उसकी वजह से क्यों बोलते हैं, तो ये सच बात है, क्योंकि नेत्र अभिसंध में यूज होता है इसका। उसके बाद अगर हमें कहीं पे ऐसे चोट वगैरह लगती है, तो हम लोग देखते हैं कि ऐसे अलग अलग जो भी ग्रास रहते हैं तो उसका रस निकल के वहां पे लगाया जाता है। तो क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो व्रण विकार के ऊपर यूजफुल रहता है। उसके बाद कुष्ठ, इसमें भी यूज होता है, विसर्प, शीत पित्त, छर्दी में यूज होता है, अतिसार, प्रवाहिका, अर्श। सो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखने हैं सारी चीजें। देखो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे दुर्वा, इसका जो भी गण है प्रजा स्थापन वर्ण्य। नेक्स्ट इसका कुल हमने देखा, ग्रामीणसी फैमिली है यव कुल से, लैटिन नेम भी देखा हम लोगों ने साइनेडॉन डैक्टिलॉन, पर्याय में देखा शतपर्व, बहुत सारे नोड्स है इसकी वजह से। इसका मराठी नेम हरली जिसको बोलते हैं हरली, और हमने देखा हिंदी नेम में हरिडूब है, गुजराती में खड़ाध्रो, ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। और इंग्लिश में जो है क्रिपिंग साइनेडॉन इसको बोलते हैं हम लोग। देखो फ्रेंड्स, हमने इसका स्वरूप भी देखा, एक शुभ के फॉर्म में रहता है, ऐसा आपको याद रखना है। उसके बाद इसका जो भी बीज रहता है, सीड रहता है, वो बहुत छोटा और तपकिरी कलर का रहता है। उत्पत्ति स्थान में हमने देखा कि बहुत मतलब कॉमनली पाया जाता है भारत में। और आपके ये याद रखना है, इसकी जो भी जाति रहती है जिसको हम लोग टाइप्स बोलते हैं, तो टू टाइप में, टू फॉर्म में पाई जाती है, एक तो व्हाइट कलर की रहती है और दूसरी ब्लू, ये आपको याद रखना है। उपयुक्त अंग में हमने देखा कि जो भी पंचांग मतलब पूरे पार्ट इसके यूजफुल रहते हैं। और रासायनिक संगठन में हमने देखा कि 10.47% प्रोटीन रहता है इसमें, 28.17 जो भी परसेंट है तंतुल द्रव्य रहते हैं, 11.75% जो भी राख फॉर्म रहते हैं, राख फॉर्म में जो भी ये रहते हैं धातु, जैसे कि हमने देखा कौन से मेटल्स रहते हैं, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। और इसमें अगर शुष्क दुर्वा लेंगे, मतलब जिस बहुत दिन हो गए उसको ऐसे निकाली हुई, तो उसमें 400 ग्राम मिलता है, और मतलब क्या मिलता है, तो यहाँ पे 6.0 ग्राम प्रोटीन, मतलब इतने इसमें इतना मिलता है। और इस साथ ही जो भी 36.16% कार्बोहाइड्रेट, अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स इसमें मिलता है। गुण में हमने देखा कि कषाय मधुर, विपाक में कटु, वीर्य में शीत, और इसमें लघु देखा हम लोगों ने। दोषग्नता में देखा हम लोगों ने कफ और पित्त को शमन करने वाला है। और बहुत सारे फंक्शंस देखे हमने इसमें, स्तंभन है, रोपण, दाह प्रशमन, वर्ण कर है, अर्श में यूज होता है, नेत्र अभिसंध में, शिरोशूल में, विसर्प में, शीत पित्त में, व्रण विकार में, कुष्ठ में भी यूज होता है, ये पूरा हमने देखा है। अतिसार, प्रवाहिका, अर्श में ये भी देखा हमने, रक्त स्तंभन में यूज होता है। उसके बाद जो भी शुक्रार्त, वो हमने देखा कि बल्य कर होता है, मतलब गर्भ को बल्य प्रोवाइड करता है, गर्भ पोषण के लिए यूजफुल किया जाता है ये वाला, और मूत्रकृच्छ और कुष्ठ में यूज किया जाता है, ये आप याद रख सकते हो। ठीक है, और जो भी विष विकार है उसमें भी यूज होता है,
और इसकी जो मात्रा रहती है वो 10 to 20 ml, लेकिन स्वरस फॉर्म में, ये याद रखना है आपको। यहाँ पे फ्रेंड इसका श्लोक भी दिया है, देखो, दुर्वा कषाया मधुराश्च शीता पित्त तृष अरोचक वांति हंत्र्य स दाह मूर्छा ग्रह भूत शांति श्लेष्म श्रमन ध्वसन तृप्ति तृप्तिदाश्च। सो फ्रेंड्स इजी वाला है, इसमें इतना कुछ है नहीं, आप जैसे ग्रास रहता है उसको इमेजिन करके ये पूरे याद रख सकते हो पॉइंट। थैंक यू।